हेलो एवरीवन, मेरा नाम अहमद हुसैन, आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद हुसैन डब्ल्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं और आपकी ओटीपी नहीं आ रही है मोबाइल पे, तो उसके दोस्तों तीन ट्रिक हैं जिससे आपकी ओटीपी तुरंत आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। आधार नंबर डालने और कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, हमारी ओटीपी सेंड हो गई है, इसी मोबाइल में लगी हुई है, लेकिन अब इसकी ओटीपी आती है नहीं आती है। देखिए, हमारी ओटीपी आ गई दोस्तों, हम यहाँ पे ओटीपी क्लिक कर देंगे। ओटीपी क्लिक करने के बाद यस विद इन 5 डेज और वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। देख लीजिए, हमारा आधार कार्ड अभी डाउनलोड हो जाएगा। देख लीजिए, हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया। और अगर दोस्तों, अगर आपकी ओटीपी नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रिक है कि आपको सबसे पहले मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है। अगर उसके बाद ओटीपी नहीं आ रही है तो दोस्तों, दूसरी ट्रिक सेटिंग में जाएंगे। आप सेटिंग में जाने के बाद आप आएंगे मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग ओपन करने के बाद ऐप मैनेजर में आएंगे। ऐप मैनेजर में आने के बाद आप मैसेज के फोल्डर में आएंगे। मैसेज यहाँ पे ऐप मैनेजर में होगा, मैसेज फोल्डर में आकर यहाँ पे मैसेज पे ओपन करेंगे। मैसेज पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे परमिशन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। परमिशन पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एसएमएस वाला ऑफ है, यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। अगर ये ऐसे ऑन नहीं है तो यहाँ पे जाके ऑल परमिशन पे क्लिक करके यहाँ पे सब देख लेना है, सब सेटिंग को ऑन कर देना है। मेरा सब सेटिंग दोस्तों ऑन है, आपका ओटीपी तुरंत आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर ओटीपी नहीं आ रही है तो फिर आपको सिम वन निकाल के सिम टू में करना है, सिम टू को सिम वन में करना है, सिम एक्सचेंज कर देना दोस्तों, ओटीपी आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।